कि जो आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन है वो जी अस्वाभाविक है, अनैचुरल है, कि जो भी गठबंधन में नेचुरलिटी कम होती है, स्वाभाविकता कम होती है, तो उसमें तो तनाव रहेगा ही। और एक बात ये भी स्पष्ट है कि यदि अगर आप किसी पार्टी में हैं, किसी गठबंधन में हैं, तो उसमें भेदभाव नहीं हो सकता। लेकिन आप जरा याद करिए ना कि बराबर किस प्रकार का निर्णय लेते हैं, तो कहीं से वो कैसे चाहेंगे कि बीजेपी फिर से वहाँ जीते। बहुत बार पहले भी कहा है कि जो आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन है वो जी अस्वाभाविक है, अनैचुरल है। आपको याद होगा कि बिहार की जनता ने आदरणीय नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए को बिहार में शासन करने के लिए जनादेश दिया था, लेकिन नीतीश बाबू ने जो निर्णय लिया आप सब जानते हैं, जनादेश का अपमान किया। तो स्वाभाविक है कि जो भी गठबंधन में नेचुरलिटी कम होती है, स्वाभाविकता कम होती है, तो उसमें तो तनाव रहेगा ही। और एक बात ये भी स्पष्ट है कि यदि अगर आप किसी पार्टी में हैं, किसी गठबंधन में हैं, तो उसमें भेदभाव नहीं हो सकता है। अगर आपके पार्टी के विधायक हैं, आपको प्रचार के लिए बुलाते हैं, आप नहीं जाते हैं, तो भाई जो आपका गठबंधन है, गठबंधन धर्म का निर्वहन नहीं करते हैं। क्या लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा? अरे बिल्कुल नहीं। देखिए जी, नीतीश बाबू ने जो निर्णय लिया, आखिर बीजेपी ने उनको कितने वर्षों तक इस देश में केंद्र में मंत्री बना के रखा, प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर रखा। लेकिन आप जरा याद करिए ना कि बराबर किस प्रकार का निर्णय लेते हैं, तो कहीं से वो कैसे चाहेंगे कि बीजेपी फिर से वहाँ जीते, उनकी बिल्कुल ये इच्छा नहीं होती। लेकिन हाँ, उनकी अपनी सोच होती है, अपने तरह की वो कभी कभी ख्याल भी रखते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जिस गठबंधन में हैं, जिस गठबंधन के विधायक का सहयोग प्राप्त करते हैं, जिस पार्टी का सहयोग प्राप्त करते हैं, और उसमें नहीं जाना, तो उसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन मोकामा को जो जनता लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नहीं आना, ललन सिंह को जिताना। देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी चुनाव होता है, चुनाव में तय करती है वहाँ की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके। तो मोकामा की जनता, आप जानते हैं कि वहाँ की मोकामा की जनता अपना निर्णय लेगी, और जो 3 तारीख को चुनाव होगा उसमें उन्होंने अपना निर्णय देगी, और जो काउंटिंग के दिन है पता चल जाएगा। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।